क्या इस मुल्क के मामलात हैं कि कौम को कह रहे हैं कि हमारा 20 करोड़ लोगों का पानी रोका जा रहा है, हम कोई बनाना स्टेट है, किसी का बाप हमारा पानी रोक सकता है जी? उसमें इतनी अहलियत है? इतने लोटे सबके सर पे बस बार खूनी, ये तेरा इलाका नहीं बेटे, ये पीपल का लूनी। खैर जाता सारे चुका चुपचाप निकल ले, गलती से मेरा पुत्र कराई ना तू खूरी। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान मुज़म्मिल शहज़ाद खान और आप सबका वो खुश आमदीद है हमारे इस चैनल टेस्ट ऑफ स्ट्रीट में। तो अभी हम लोग मौजूद हैं ये रावलपिंडी की करतारपुरा स्ट्रीट फूड। ये कोई स्ट्रीट फूड ही है, 50 से 60 साल पुरानी है और यहाँ की इमारतें आप लोग देखेंगे तो यहाँ की इमारतें भी पाकिस्तान बनने से पहले की इमारतें हैं, ब्रिटिश टाइम की इमारतें हैं, पुरानी पुरानी इमारतें हैं। और आज हम जो आइटम ट्राई करने आए हैं वो है निहारी। और निहारी की एक बड़ी हिस्ट्री है। निहारी का निहार लफ्ज़ से निकला है, जो अरेबिक ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके मायने सुबह सवेरे के हैं। और कुछ रवायतों में पाया जाता है कि निहारी ने पुरानी दिल्ली की गलियों में जन्म लिया था और बाद में ये मुग़ल सल्तनत के खानों में शामिल हो गई थी। बड़े बड़े बादशाह अपने सुबह सवेरे का नाश्ता इससे करते थे, जिसकी नस्बत से इसका नाम निहारी पड़ गया। देखो क्या नाम है भाई का? रिजवान। रिजवान, और कब से आप यहाँ पे हैं? ये हमारी दुकान तकरीबन 50-60 साल पुरानी है। 50-60 साल पुरानी दुकान है। और ये वैसे करतारपुरा स्ट्रीट कितनी पुरानी है? क्योंकि ये तकरीबन इतनी है। अच्छा, मतलब कि स्टार्ट हुई है तो आप लोगों की दुकान स्टार्ट हुई है यहाँ पे? जी जी बिल्कुल। और कौन कौन सी आपके पास मिलती है निहारी? मेन कंटेंट उसे तो वो तो बीफ ही होता है। अच्छा। और इसके अलावा नली मगज की एडिशन होती है। ठीक हो गया। और क्या प्राइस है इनकी? 450। 450 शादी पर? बीफ पर। अच्छा, बीफ वाली। ठीक हो गया। और ये चेक करें आप लोग, ये कलाखान निहारी, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बीफ निहारी, नली निहारी और यहाँ पे आपको मग्ज़ निहारी मिल जाती है। चेक कर सकते हैं, सुबह सुबह के टाइम ही ओपन होता है ये यहाँ पे, और उसके बाद ये रश लगना स्टार्ट हो जाता है। ये चेक इनका, ये सिटिंग एरिया, यहाँ पे आप रश देख सकते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी रश लगा हुआ है। चेक करेंगे, ऑर्डर लग रहा है आप। करेंगे नली निहारी का ऑर्डर है, बीच में बीफ डाला निहारी और बाद में वो जो नली निकाली हुई पड़ी है वो डाल दी इन्होंने। चेक करेंगे, अब एक सादा निहारी बन रही है, बीच में ये बीफ आ गया। नली को थोड़ा ऐसे लगाना है। और ये निहारी का आप टेक्सचर चेक करें, टेक्सचर और कलर काफ़ी ऑथेंटिक है इसका, आप पता चलता है, देख के पता चलता है। बीफ की आप क्वालिटी चेक करें, क्वालिटी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी है बीफ की। और निहारी की आप लोग कलर चेक कर सकते हैं, टेक्सचर चेक कर सकते हैं, काफ़ी मज़े का इनका। तो अभी हमने ले लिए, चेक कर सकते हैं, बीफ निहारी है, सादा ली है हमने, मगज़ और वो नली वगैरह नहीं ली। और साथ मज़ा तब भी आता है जब इसके ऊपर ना लीमू निचोड़ा जाए, बड़ा टाटा भी नींबू है निकल गया। अभी ट्राई करते हैं हम। यार इसके टेक्सचर वगैरह से तो लग रहा है कि एक ऑथेंटिक निहारी है। ठीक है, अब चेक करके आपको बताते हैं। ये बीफ, यार इसका टेस्ट बड़ा ही लाजवाब किस्म का, और पता चल रहा है कि ओरिजिनल ऑथेंटिक निहारी है, जो आपको ना मतलब क्या मैं आपको बताऊँ, बहुत ही मुनफरद और बहुत ही मज़े का जायका है इसका। यार मैं तो कहता हूँ अगर आप पिंडी के रहने वाले हैं ना तो एक बार लाजमी इसको ट्राई करें, आपको पता चलेगा कि असल निहारी क्या होती है। बीफ की क्वालिटी और जो निहारी के मसाले वगैरह हैं ना, बहुत ही टू द पॉइंट है बिल्कुल। तो एक बार लाजमी आप लोग ट्राई दें इसको। बड़े मज़े का जायका है यार इसका,
बहुत मज़े का लेके, मैंने ऐसी नियारी नहीं खाई आज तक भाई। नाश्ता और फिर लस्सी ना हो, लस्सी तो होगी फिर। अभी हम नाश्ते के बाद, एक हैवी नाश्ते के बाद लस्सी ट्राई करने आ गए हैं, तो बीच में दही आ गई, चीनी आ गई, बीच में चेक करें। ये अब दूध डाला जा रहा है, चेक करें आप। बड़ी वीआईपी लस्सी है ये करतारपुरा की, के बाहर दोबारा से आप देख सकते हैं कि फिर से फेंटा जा रहे हैं। करें ये लस्सी करतारपुरा की आपको मिलती है। भाई कैसा लगा है आपको टेस्ट? बहुत बढ़िया ने, बहुत बढ़िया ने, बहुत बढ़िया ने, तो सौ प्यो बहुत बढ़िया ने।